6 रन और 2 सफलताएं, किरण दादा की लाजवाब गेंदबाजी। और उसका यह नतीजा है कि आखिरी के 6 गेंदों के ऊपर 24 रनों की दरकार है। भूषण में वो काबिलियत है, देर इज नो डाउट फॉर एनी वन माइंड, ही इज अ क्लास प्लेयर, फॉर्म इज अ टेम्पररी बट क्लास इज अ परमानेंट। देखना होगा 24 रन कैसे बनाते हैं, क्योंकि गेंदबाजी के लिए योगेश जी हीरे एक्सपीरियंस खिलाड़ी। पहले ओवर से 6 रन खर्च किए थे, अंतिम ओवर में 24 रन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव फिर भी नहीं। ये गेंद बेहतरीन ड्राइव लगा, मैदान से ही जा रहा है, गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक, अच्छी फील्डिंग, निशान की जबरदस्त थ्रो किया है, लाजवाब फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग, अपना विकेट सैक्रिफाइस किया दीपक ने। ये गेंद जो था बहुत ही आदर्श गेंद था, बिल्कुल बोका नहीं था, जड़ में गेंद खेला जरूर था, दूसरे रन की मंशा जरूर थी, एक ही रन बना, 23 अभी भी बचे हैं, 5 गेंदे ही है, तो लगभग लगभग हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ही हवाई रास्ते से भेजना होगा। अमोल गए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये लाजवाब टाइमिंग जरूर हुई है, लेकिन नहीं, ये तो कैच हो गया, बेहतरीन कैच, विकेट, बड़ी मछली जाल में। ये मुकाबला अब फील्डिंग करने वाली टीम के फेवर में। ललित युवा खिलाड़ी आए हैं, जितनी उम्र है उनसे ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, योगेश जी हीरे ओवर द विकेट से। ये गेंद विकेट, दूसरा बैक टू बैक इस ओवर का। विश्वास जरूर गए है, विश्वास भी है इनके अंदर, लेकिन इम्पॉसिबल अभी फिलहाल। ये बल्ला चला, हैट्रिक, पहला हैट्रिक एमटीसीबीएल सीजन 3 का योगेश हीरे इनका रहा। नेक्स्ट बैट्समैन वॉक इन टू द मिडल, बीएस सोनवणे योगेश हीरे यांनी जी हॅट्रिक आता बनवली त्यासाठी आधार भाऊ यांच्याकडून 201 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे। बीएस सोनवणे हे जर षटकार खेचतात